सुख की स्थापना कर दे, सुख का संचार हृदय में, आनंद का संचार कर दे, वही तो कथा है। कथा वही है जो जीव की व्यथा मिटा दे। हनुमान जी केवल श्रोता ही नहीं, वक्ता भी है, फिर भी कथा सुनने के लिए विराजते हैं। और हम सबको, हम जैसे कथावाचकों को शिक्षा भी देते हैं कि वक्ता बन गए तो ये मत समझना कि आप परिपूर्ण हो गए, आप भी कथा सुनने के लिए आओ। हनुमान जी वक्ता भी हैं, बढ़िया श्रोता, बढ़िया वक्ता मिल गया तो श्रोता बन जाते हैं, और बढ़िया श्रोता मिल गया और मौका मिल गया तो वक्ता बन के भी बैठ जाते हैं। श्रणवन ग्रणन संस्मरयश्च चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, गर्भस्तुति में देववृंद कह रहे हैं। वक्त्र सन्निधौ श्रणवन, श्रोत्र सन्निधौ ग्रणन। बढ़िया वक्ता मिले तो ज्यादा से ज्यादा सुनने का ही प्रयास करना चाहिए। बढ़िया श्रोता ही बढ़िया वक्ता बन सकता है। इसलिए सबसे पहले श्रणवन की बात है। नवदा भक्ति में भी सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण पहले, कीर्तन बाद में। कीर्तन माने वक्ता, भगवान की कथा चाहे गा के कहो, चाहे गद्य में, चाहे पद्य में, कीर्तन दोनों रूप से कहलाता है। तो हनुमान जी फिर भी कथा सुनते हैं और डूब के सुनते हैं, जबकि हम जैसे कलयुग के वक्ता उन्हें क्या नई कथा सुना पाएंगे, और फिर भी सुनने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं फिर? केवल इसलिए नहीं आते कि कोई नई बात सुनने को मिलेगी। हम लोग सुनते हैं तो इसी दृष्टि से सुनते हैं कि ये तो सब कथाएं सुनी सुनी हैं, सुनी सुनाई हैं, देखें आज वक्ता क्या नया सुनाएंगे। अब नया सुनाने के चक्कर में वक्ता फिर आत्मकथा सुनाने लग जाते हैं। और क्या नया भाई, भागवत का कोर्स तो बदल नहीं सकते, वो तो जैसा है वैसा ही कहा जाएगा, अब नया क्या सुना भाई। पर हनुमान जी सुनने इसलिए आते हैं कि नई बात सुनेंगे, सो बात नहीं। राम जी में इतनी प्रगाढ़ प्रीति है कि राम जी का नाम सुनते ही वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम, आनंद में डूब जाते हैं। हमारे प्रभु के चरित्र गाए जा रहे हैं, हमारे राम जी की चर्चा हो रही है, तो राम जी में इतना अनुराग है कि कोई राम जी का नाम भर ले ले, कथा की तो बात ही दूर है। ये प्रेमियों का स्वभाव है, जिसके प्रति अत्यंत प्रीति होती है उसके नाम में ही चमत्कार होता है। राम नाम वही है, लेने वाले हम हैं, पर हम लोग राम नाम कहते हैं तो उसमें उतना प्रीति का संचार नहीं होता, पर वही राम शब्द जब भरत जी कहते हैं तो चित्रकूट में उनके राम कहते ही पाषाण द्रवित हो जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। यह है राम नाम की प्रीति का चमत्कार, क्योंकि ये भरत जी के हृदय से निकला हुआ राम नाम है, जो साक्षात राम जी के प्रेम विग्रह हैं। ऐसे ही हनुमान जी भगवान के परम चरणानुरागी हैं, और इसलिए वो इसलिए नहीं आते कि वो कथा में कोई नई बात सुनने को मिलेगी, बल्कि इसलिए आते हैं कि राम नाम सुनने को मिलता है। बस राम नाम सुनते ही आनंद विभोर हो जाते हैं, प्रेम परिपूर्ण हो जाते हैं। तो हम श्रोताओं को शिक्षा लेनी चाहिए इन महापुरुषों से, कथा सुनने का क्या ढंग है, कैसे कथा सुननी चाहिए, और यही सब कुशलता सौनक मुनि में है। इसलिए कहा कथा अमृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथा श्रवण की जिनमें सब प्रकार से कुशलता है, जबकि वयोवृद्ध विद्वान हैं, 88,000 ऋषियों ने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाया है, अनेक विशेषताएं हैं सौनक जी में, परंतु कथा श्रवण की कुशलता देखो कि अपने से उम्र में छोटे सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर बैठा रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और प्रार्थना करते हुए कहते हैं
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से व्याप्त है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य की किरण प्रकट होते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, पर सूर्य भगवान बाहर के अंधकार को दूर करने वाले हैं। हम जीवों में जन्म जन्मांतर से जो अज्ञान का तिमिर व्याप्त है वह भुवन भास्कर की किरणों से मिटने वाला नहीं है। प्रचंड मारतंड अपनी प्रखर किरणों से वहिरंग अंधकार को तो मिटा सकता है, पर जो अंतर्गत है, हृदयगत जो अज्ञान तिमिर है वो भुवन भास्कर की किरणों से मिटने वाला नहीं है। तो कैसे मिटेगा वो भीतर का अंधेरा? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का जो तिमिर है, अज्ञान का जो अंधकार हम सबके हृदय में भीतर व्याप्त है, ये बाहर के सूरज से नहीं, जासु वचन रवि करनि कर। सदगुरु के दिव्य उपदेश के वाक्य जब निकलते हैं, वह शब्द ब्रह्म सदगुरु की वाणी से प्रकट होकर जब कर्ण कोहरों से हृदयंगम होता है, कर्ण विवर से हृदय में पहुंचता है, तो वह शब्द ब्रह्म अपने दिव्य प्रकाश से जन्म जन्मांतर के तिमिर को ध्वस्त कर देता है। इसलिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जन्म जन्मांतर का अंधकार जो आपके भीतर व्याप्त है वो अपने दिव्य उपदेश से, वाणी से, शब्द ब्रह्म की किरण से जो सारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दे वो है सदगुरु। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पर वे सदगुरु कौन है? नराकृति, नर के रूप में नारायण। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात हरि ही है। इसलिए एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात, आचार्य के रूप में तुम साक्षात मुझे ही देखना, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आपने किसी का हाथ पकड़ लिया तब भी वो पकड़ा गया, आपने किसी का पैर पकड़ लिया तब भी वो पकड़ा गया, आपने किसी का सिर पकड़ लिया, पेट पकड़ लिया तब भी वो पकड़ा ही गया। कोई भी अंग पकड़ में आ गया तो व्यक्ति पकड़ा गया कहलाएगा। उसी प्रकार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम अलग अलग है पर एक ही बपु है। इनमें से एक को भी पकड़ लिया तो वो पकड़ा गया। इसलिए सदगुरु के रूप में उसी तत्व का दर्शन करना चाहिए। अतः कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। यदि गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तो फिर परब्रह्म का उपदेश हमें क्यों देते हैं? जब वे स्वयं परब्रह्म है तो हम दूसरे परब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े? बोलो जय सियाराम। जय सियाराम। शास्त्रों में कई बातें हैं जो सदगुरु की सन्निधि से ही सुलझती हैं, नहीं तो हम लोग उन शब्दों में उलझ जाते हैं।
मेडिकल स्टोर में प्रत्येक दवा बीमारी को दूर करने के लिए रखी गई है, प्रत्येक दवा महत्वपूर्ण है, परंतु आपको कौन सी बीमारी है और आपको कौन सी दवा अनुकूल पड़ेगी ये कोई डॉक्टर बताएगा। इसलिए जो डॉक्टर लिखे वही दवा खानी चाहिए। और आपने मेडिकल स्टोर में जाके बीमारी के लिए कोई भी दवा उठा के खा ली, बोले हमको तो खाने से मतलब है, तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। तो आपने कहा हमने तो मेडिकल स्टोर से ही दवा खाई थी साहब, फिर हमारी तबीयत बिगड़ क्यों गई? बोले दवा तो तुमने सही खाई थी, वो बुरी नहीं थी, दवा सही थी पर तुम्हारी बीमारी के लिए वो सूट नहीं थी। तुम्हें जो बीमारी है उसके लिए जो दवा खानी चाहिए था वो किसी डॉक्टर से तुमने सलाह नहीं ली, मनमानी ढंग से खा ली, इसलिए रिएक्शन हो गया। उसी प्रकार शास्त्रों में सारी बातें सही हैं, परंतु हम जब सदगुरु वैद्य का आश्रय लिए बिना मनमुखी ढंग से उस दवा का सेवन करने लगते हैं, इसलिए हमको रिएक्शन होने लगता है। यहां ये लिखा है, वहां वो लिखा है, हम तो महाराज पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, बुद्धि खराब हो गई हमारी, तो हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र सही बात कह रहे हैं, पर शास्त्रों की बात को सही ढंग से समझने के लिए सदगुरु की परम आवश्यकता है, उसके बिना गड़बड़ा सारी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। वेद पुराण उदत ही घन साधु, वेद पुराण क्या है? उदत ही है, समुद्र है। महम बुद्धि, सागर में जल राशि अनंत है, पर सागर का देखने में जल बहुत प्यारा पर पीने पर बिल्कुल खारा। अब आप प्यास बुझाने के लिए सीधे सागर के पास चले जाओगे तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, पीना तो बहुत कठिन है। तो पानी बेकार है क्या? बोले नहीं, बेकार नहीं है। उसी पानी को जब घन मेघमंडल खींचते हैं और खींच करके धारण करके फिर आकाश में इधर उधर उमड़ के पवन के प्रभाव से फैलते हैं और फिर रिमझिम रिमझिम करके उन पानी की बूंदों को बरसाते हैं, तो पानी भी मीठा हो जाता है, पीने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाता है और धरती की प्यास भी बुझ जाती है, सभी को आनंद आ जाता है। पानी वही है, पर मेघों के माध्यम